Hello everyone, welcome to all in next class. पिछले वीडियो में हमने फूड एंड डाइजेशन जो चैप्टर नंबर 5 है इसकी स्टार्टिंग की थी. हमने जाना फूड के बारे में कि फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इन तीन न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा था और हमने जाना था कि ये न्यूट्रिएंट्स किस तरह के फूड में पाए जाते हैं और इनसे हमारे बॉडी को क्या बेनिफिट होता है और उनका क्या वर्क होता है हमारे बॉडी में. और आज हम लोग जानेंगे नेक्स्ट जो आपके न्यूट्रिएंट हैं उसमें सबसे पहला न्यूट्रिएंट आता है आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या करता है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, किस तरह से, फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज. इसका जो मेन काम होता है वो होता है डिजीज से लड़ना, बीमारियों से लड़ना. ठीक है, दे हेल्प अस इन फॉर्मेशन ऑफ टीथ, बोन्स एंड ब्लड. ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं, टीथ, ब्लड और बोन्स, इनका निर्माण करते हैं. ठीक है, मतलब अगर हम विटामिन्स और मिनरल्स प्रॉपर क्वांटिटी में ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में ब्लड, बोन्स और टीथ ये सुरक्षित रहेंगे और इनकी जो है क्वांटिटी हमारे बॉडी में बरकरार रहेगी और हमेशा मेंटेन रहेगी. वी नीड विटामिन्स एंड मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटी बट वी मस्ट टेक देम रेगुलरली. विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये हमें जो है इनको रेगुलर जो है लेना पड़ता है. ठीक है, सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडाइन एंड साल्ट आर नेसेसरली नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बाई वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडाइन एंड साल्ट, इनकी रिक्वायरमेंट जो है होती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में. अच्छा, यहाँ पे विटामिन्स और मिनरल्स दो चीज़ें होती हैं जिसमें विटामिन्स अलग होते हैं और मिनरल्स अलग होते हैं. ठीक है, विटामिन में आपके ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इस तरह ये सभी विटामिन हो जाएंगे, विटामिन ई, ये विटामिन हो जाएंगे आपके. और मिनरल्स में क्या आएंगे, आपके कैल्शियम आएंगे, आयरन आएंगे, पोटेशियम आएंगे, आयोडाइन आएंगे, फॉस्फोरस आएंगे, ये सभी क्या हैं, ये आपके मिनरल्स कहे जाते हैं. ठीक है, तो विटामिन और मिनरल्स दोनों का एक ही काम होता है, हमारे बॉडी में डिजीज से लड़ना और हमारे बॉडी में बोन्स, टीथ और आपके जो है ब्लड, इन तीनों का निर्माण करना. ठीक है, और इनकी जो क्वांटिटी इन और इसे हमें कितना लेना चाहिए, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में इनकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को होती है. अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये हमें मिलेगा कहाँ से, विटामिन और मिनरल्स के सोर्सेस क्या हैं. तो देखो, विटामिन्स और मिनरल्स की जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो होता है फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. यानी कि अगर आप फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल ले रहे हो तो आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाएगा. इसके अलावा आपको मिल्क और एग, अगर आप मिल्क और एग ले रहे हैं तो वहाँ से भी आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे. ठीक है, और चूँकि ये हमें बीमारियों से, डिजीज से हमें सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इसे प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटेक्टिव फूड क्या है या किस तरह के न्यूट्रिएंट को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है, तो आप बताओगे विटामिन्स और मिनरल्स. ठीक है, और विटामिन्स और मिनरल्स के सोर्सेस क्या हैं, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, उसके बाद मिल्क और एग. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अदर फूड में विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिलते हैं, मीट में भी मिलते हैं, ठीक है, फिश में भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनमें क्वांटिटी बहुत कम मात्रा में होती है. सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क, एग और फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स में मिलते हैं. ठीक है, अगला जो आपका न्यूट्रिएंट है वो है आपका रफेस.
रफेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। रफेज की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी में, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। रफेज एक्चुअली होते क्या हैं, रफेज एक तरह के फाइबर्स होते हैं। रफेज क्या होते हैं, रफेज आर फाइबर्स जो कि फूड में ही प्रेजेंट होते हैं, और ये जो फाइबर होते हैं ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, बट दे हेल्प इन इट्स डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये हमारे बॉडी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। ये करते क्या हैं कि हमारे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने में ये हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो है ये क्लीनिंग का काम कर सकते हैं। एक तरह से आप इजी वे में कह सकते हो कि रफेज जो होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्लीनिंग का काम करते हैं, ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी होते हैं। अब ये इनका सोर्सेज क्या होता है, इनके जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं रॉ वेजिटेबल्स, कच्चे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है सब ये इसमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर आपको मिलता है, यानी कि अगर आप ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप पका के खाओगे तो उसमें आपको उतना बेटर रफेज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इन्हें कच्चा खाते हो तो वो आपका रफेज का काम करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा है वो है वाटर। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर। अब आपके बॉडी का जो मोस्टली जो वेट होता है वो वाटर की वजह से ही होता है। वी लॉस वाटर व्हेन वी स्वीट, पास, यूरिन एंड इवन व्हेन वी ब्रीथ आउट। अब देखो होता क्या है कि हमारे बॉडी में वाटर होता है, लगभग 70% हमारे बॉडी का जो वेट होता है वो वाटर की वजह से ही होता है, और इसीलिए आप कभी कभी देखते होंगे कि जब आपको पसीना होता है तो उसमें वहाँ से वाटर निकलता है, और जब आप यूरिन पास आउट करते हो तो वहाँ से आपकी बॉडी का वाटर निकलता है, ठीक है। अब जब हम सांस लेते हैं तो उससे भी हमारे वाटर जो है वाटर वेपर के रूप में वाटर हमारे शरीर से बाहर निकलता है। वाटर क्या करता है, वाटर हेल्प्स टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर एंड इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। वाटर की हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जैसा मैंने कहा कि हमारे बॉडी का 70% वाटर है, अगर वाटर नहीं है तो हमारी बॉडी जो है कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस और जितने भी तरह के जूसेस बनते हैं उसमें ये वाटर बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। आपके माउथ में जो लार्वा निकलता है, सलीवा जो निकलता है और जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं स्टमक में, वो सभी जो है वाटर की वजह से ही निकलते हैं। इट इज़ नीडेड बाई द बॉडी फॉर डिफरेंट फंक्शंस। ये हमारे बॉडी के कई तरह के जो फंक्शंस होते हैं उसमें ये हेल्प करते हैं। जब हमारे बॉडी से हम अपने यूरिन पास आउट करते हैं तो हमारे बॉडी का वेस्ट भी निकलता है, तो इस तरह से ये बॉडी की क्लीनिंग भी करते हैं। हमारे बॉडी से जब स्वीट निकलते हैं, पसीने निकलते हैं, तो उससे भी हमारे बॉडी की क्लीनिंग होती है, ठीक है। तो हमें कितना वाटर ड्रिंक करना चाहिए, नियरली 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर जो है एवरी डे हमें ड्रिंक करना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है बैलेंस डाइट। देखो अभी तक हमने जो बात किया वो बात किया न्यूट्रिएंट के बारे में कि हमारे बॉडी में किस तरह के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। हमारे बॉडी में कुल 5-6 काइंड्स के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, तो वो उसमें आपके पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ठीक है, फैट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम कितना फूड लें या किस तरह का फूड लें जिसमें हमें जितना भी प्रोटीन चाहिए, जितना फैट चाहिए, जितना विटामिन चाहिए, जितना मिनरल चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो सभी हमें मिल पाए, ठीक है ना। क्योंकि सभी न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को ज़रूरी हैं, तो ऐसा कौन सा हम डाइट लें
या ऐसा कौन सा हम भोजन खाना खाएं जिससे ये सभी हमें न्यूट्रिएंट प्रॉपर क्वांटिटी में मिल पाए। देखो होता क्या है, पहले तो डाइट समझो। डाइट क्या है? ए डाइट क्या होता है? डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स। डाइट क्या है? डाइट वो है जिसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। सारे न्यूट्रिएंट का मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन राइट प्रोपोर्शन और एक प्रॉपर क्वांटिटी में, ठीक है ना। तो डाइट वो है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट मिल जाए। और इसी को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है ना, जिसमें सारे जो न्यूट्रिएंट, एक ऐसी डाइट जिसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपर क्वांटिटी में मिल जाएं, उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। और जो एक दिन जो हम फूड लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं एक दिन में, वही हमारा जो है डाइट कहलाता है। एक बार में हम जितना भोजन लेते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? डाइट। तो इसलिए हमें वो डाइट लेनी चाहिए जो बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड का मतलब होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट हमें मिल जाए। ओके, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे जंक फूड, ठीक है। तो अब ये जंक फूड क्या चीज है? इन टूडेज वर्ल्ड हेल्दी न्यूट्रियस फूड हैव बीन replaced by the new food, the junk or fast food. अब होता क्या है कि ये जो हम लोग की जनरेशन चल रही है, जो न्यू जनरेशन चल रही है, इसमें क्या हो गया कि जो हैवी या बैलेंस्ड जो डाइट होते थे या जो जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलता था हमें, उसकी वो जो है फूड हमें नहीं मिल रहा है। उसकी जगह पे क्या मिल रहा है? उसकी जगह पे मिल रहा है हमें जंक फूड, जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं। जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इडली, डोसा, ये सब क्या चीज़ है? ये सब कुछ नहीं, ये सब केवल जंक फूड है। इसमें ऑयल ज़्यादा मिलेगा आपको और इसमें जो है आपको न्यूट्रिएंट यानी कि प्रोटीन, विटामिन सी, सभी चीज़ें कम मात्रा में मिलेंगी। ये क्या करते हैं? इट कंप्राइजेस एनीथिंग दैट इज क्विक, कन्वीनियंट एंड फैशनेबल, ठीक है। ये क्या है? इसमें जो है हमारे बॉडी को जो है इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, ये हमारे बॉडी को नुकसान ही पहुँचाते हैं। और ये क्या है? एक तरह के फैशनेबल, एक फैशन बन गया है फास्ट फूड का, जिसे देखोगे आज वही चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर खा रहा है, ठीक है ना। लेकिन इससे क्या है? इससे हमारे बॉडी को नुकसान होता है। फूड लाइक वेफर्स, कोलाज, पिज्जाज एंड बर्गर्स आर प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में कौन कौन से फूड आते हैं? इस कैटेगरी में आपके वही फूड जैसे वेफर्स, कोला, पिज्जा, ये सभी क्या हैं? ये सभी जंक फूड आते हैं। टेकिंग टू मच जंक और फास्ट फूड कैन मेक अस पुट ऑन एक्स्ट्रा वेट। ये सब चीज़ें ज़्यादा खाने से क्या होता है? हमारे बॉडी का वेट बढ़ जाता है। दो जंक फूड टेस्ट गुड बट दे डू नॉट प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, दस दीज आर नॉट हेल्दी। अब ये जो जंक फूड होते हैं ये टेस्टी तो होते हैं, लेकिन इसमें जो हमें न्यूट्रिएंट की, जिस न्यूट्रिएंट की हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिल पाता है और हमारी जो बॉडी होती है वो ओबेसिटी का शिकार हो जाती है। अब आप पूछोगे सर ये ओबेसिटी क्या चीज़ होता है? तो ओबेसिटी क्या होता है कि जब हम ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं या फिर फैट वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तो हमारे बॉडी में एक फैट की लेयर बनती जाती है और हमारा जो शरीर है, बॉडी है, वो मोटा होता जाता है और वो जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी क्या है? एक तरह की डिजीज़ है, एक तरह की बीमारी है। जिसे ओबेसिटी हो जाता है वो अपना जो वर्क होता है, उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है, वर्किंग कैपेबिलिटी जो है, वो डिक्रीज हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है ना। सो आज के टॉपिक में बस इतना ही और नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर